कारण यही है कि मजबूर है, तुहानू पता अजकल काम को मैं नहीं, पहले घर का काम करती सी मैं, हूँ मका जगह लीती बजा जो भी किस्ता ते है वो भी कच्चा हाले टीना टूना पाई है वह भी तप दी बड़िया हाले हाँ करके फिर तुहानू पता मजबूरी है। तेरे घर दे ने कर्जा चुक के किसी को जिदा ब्याज से पैसे लैके 40,000 चाह पा के दिता, हूँ डेली डेली वो भी देने होंगे है, ये गड्डी भी कटने होंगे है, यही मजबूरी है जी। कहते हैं मजबूरी इंसान को बहुत कुछ करने लिए मजबूर कर देती है, पर कुछ लोग मजबूरी अगे टुट जाते हैं अते वो जिंदगी तो हार मान लेंदे हैं, पर कुछ लोग अजिहे भी हुंदे हैं जो मजबूरी अगे हार नहीं मानते ते उसका डट के सामना करते हैं ते अंत विच उन्हां दी ही जित हुंदी है। एक अजिही ही कहानी लुधियाणा की रहने वाली 30 साल कमलप्रीत कौर की है जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही ना होने कारण अज ई रिक्शा चलाने लिए मजबूर है। कमलप्रीत कौर के परिवार विच उसके पति ते बच्चे हैं। कमलप्रीत कौर ने बाकी महिलावां नूं सुनेहा दिंदिआं कहा कि अपनी मजबूरी अगे कदी हार नहीं मननी चाहीदी, बल्कि जिस तरीके नाल ओह मजबूरी दा सामना करके अगे वधी है उसे तरीके नाल बाकी महिलावां नूं भी अगे आउण दी लोड़ है। मेरा नाम जी कमलप्रीत कौर है। कब तो तुसीं ई रिक्शा चला रहे हो? सन मैनूं हो गए 7-8 महीने हो गए है। की कारण है तुहानूं ई रिक्शा चलाना पै रहा है कि इह काम दे विच जिहड़े जिहड़े कारण यही है कि मजबूर है, तुहानू पता अजकल काम को मैं नहीं, पहले घर का काम करती सी मैं, हूँ मका जगह लीती बजा जो भी किस्ता ते है वो भी कच्चा हाले टीना टूना पाई है वह भी तप दी बड़िया हाले हाँ करके फिर तुहानू पता मजबूरी है। तेरे घर दे ने कर्जा चुक के किसी को जिदा ब्याज से पैसे लैके 40,000 चाह पा के दिता, हूँ डेली डेली वो भी देने होंगे है, ये गड्डी भी कटने होंगे है, यही मजबूरी है जी। परिवार विच कौन कौन ने ते खर्चा कितना चल रहा? हस्बैंड ने वो भी किराए की गड्डी चलाते ने, 350 रुपये किराया लेंदे गड्डी वाले भी, वो भी किराए पर चलाते ने, तो बच्चे दो असी हैं, मम्मी सास सहुरे पूरे हो गए ना, मम्मी हो नहीं वो भी मातर साथी बेचारे वो भी रेंट पर ही रहते हैं, कोई है ही नहीं मदद करना, तुहानू पता जिहड़े हैगे वो करते नहीं हैगे है। साडे रिश्तेदार तो बहुत अमीर ने, कनेडा पक्के है सहुरे विचों, ननान भी अमीर है, सारे अमीर है, तुहानू पता कोई नहीं किसी की मदद करता, जो सिर तो अपने पई आप ही झेलनी पैंदी है। हाँ जी कभी कभी तो बड़ा सोहना काम हो जाता, 500-700 बन जाता, कभी कभी हों नहीं, हूँ कचहरी की छुट्टियाँ पै जानिया उदा काम बंद रहना, फिर जो लाइट नहीं रही अस इधर असं रहने उदो लाइट चल जाती छेती, नेरी नूरी आती मीह मूँह पैंता, फिर लाइट नहीं होंगी, फिर गड्डी चार्ज नहीं होंगी है, फिर छुट्टी भी करनी पै जाती है। हाँ जी बड़ी रिस्पैक्ट करते हैं, हाँ जी रिस्पैक्ट करते बड़ी, गलबात भी करते होने तो कि लगता कई वेले चंगा भी लगता, कई वेले तुहानू पता बहुत दुनिया माड़ी भी है, बथेरी गल्लां करदियां ने, की करिए उन्होंने साडा घर नहीं पूरा कर देना है ना। जिहड़ी महिलावां पिछे हटदियां ने उन्हां नूं करना चाहीदा, करना चाहिए, कईयों दे शराबी मिल जाते, कई नशेड़ी मिल जाते है, इन्नी दुनिया मजबूर है, उन्होंने काम करना चाहिए है। देखो जी मेहनत करा ना, कोई डर गाल लंबा नहीं, कोई डर नहीं है, ना किसी को खो के खानी, इज्जत भी खानी है ना, टोर नाल खानी आप, बेशक 10 रुपये मंग मंग के इकट्ठे करने है तो अपनी मेहनत है ना, जो आप यही गलत काम करांगे लोग इज्जत नहीं करते जनानी की, नाले सब तो बड़ा रब, जे आप मेहनत करेंगे ना रब आपे साथ दे दूगा, अज नहीं तो कभी नहीं, 5-10 साल जो बच्चे बड़े हो गए उदो ही सही, ठीक है ना जी। साढ़े हस्बैंड बहुत वधिया ने, बहुत चंगे ने, सपोर्ट पूरी करते हैं, जिन्हें जोगे बेचारे करी जाते हूँ, उन्होंने भी अगे पिछे है नहीं गा, हूँ आप नहीं मजबूरी समझेंगे कौन समझूंगा, ठीक है ना जी। चलो कोई गल नहीं, आज है नहीं कुछ भी, ऐसी कि किस्ता तो जगह भी नहीं सी, हूँ चल माड़े मोटे जोड़े किस्ता जगह पाई है, कच्ची पक्की जिदा की भी हैगी है, कोई गल नहीं सही हो जाऊंगे बाद, है ना, कहते ना बंदा सही होना जिदा आप जिंदगी लंघ जाती है, नाले नोक चोक तो तुम्हें पता सारे घर माड़ी मोटी होंगी रही, जो आप यही टेंशन लवेंगे फिर तो कभी काम ही नहीं करेंगे, घर ही नहीं बसनगे। असं तो यही कहने कि सारी जिदा लेडीज़ है, कोई मजबूर है, कई गलत काम कर सब तो वधिया मेहनत है, चाहे तुम थोड़ी खा लो, मैं घर काम करती सी 4-5 हज़ार रुपये मिलता सगा, फिर यह कहें चल नहीं किस्त भी नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि इन्हें भी नहीं काम लगते सके, कई वेले गड्डी खराब हो जानी, कई आटो वाला तुम्हें पता कि वह हों, कई वेले पुलिस वाले भी तंग कर लग पाते, उन्होंने भी कसूर नहीं है, हूँ जो जाम जूम लगते पिछों ऑर्डर आते भी इदा ही करते हैं, ता करके असं तो यह कहने मेहनत करो जिनी हो सकती, मेहनत करो, मेहनत ही फल आती है, गलत काम नहीं फल आता है, जो आप कही गलत काम में तरक्की हो जाती है, इदा कुछ नहीं होंगे है।
ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, ਨਾਲੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ।